हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल UPSI का रिजल्ट आ चुका था और भाई इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। चाहे आप अकाउंट्स वाले की ले लो, चाहे कॉन्फिडेंशियल की ले लो, या तीनों में से किसी की भी ले लो, कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। जनरल OBC जनरल की 313, OBC EWS की भी 300-300 प्लस गई है, बाकी एक में जनरल की 302 गई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कट ऑफ बहुत हाई है। जो यूट्यूबर्स कहते थे कि कट ऑफ इतनी लो जाएगी, तो भाई एक बार उन्हें जाके कमेंट जरूर करते ना, सर आप तो बहुत 100% कहते थे कि कट ऑफ हाई लो जाएगी, इतनी नहीं जाएगी क्योंकि इतने बच्चों के भरने वाले ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये कैसे गया, ठीक है ना। उन पर जरा एक कमेंट जाके कर देना, ताकि उन्हें पता चले कि भाई अंधाधुंध चीज़ बताने से कोई चीज़ नहीं होता। दूसरी बात, अगर भाई मैं आपको कोई बताता हूँ कि कट ऑफ इतनी जाएगी, तो भाई मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि अगर मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि भाई ये कोई भी 100% नहीं बता सकता। मैं हर बात ये जरूर बताता हूँ कि 100% कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, तो भाई सिंपल सी बात यह है, अगर मैं भी कभी कहता हूँ कि भाई कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, भाई देखो 100% किसी को नहीं पता रहता। तो सिंपली आप 100% किसी पे विश्वास ना करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और यूट्यूबर है। और भाई ये पूरे यूट्यूब में कोई नहीं कहेगा, मैं इस बात को कहता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है 100% देखो भाई, या तो भाई भगवान को पता है, या फिर वो बोर्ड जो रिजल्ट बना रहे हैं उन्हें पता है, ठीक है ना। तो ये बात पहले क्लियर कर दो। तो देखो, इसकी कट ऑफ का बहुत अलग ही अंदाजे में कट ऑफ गई है। अगर सच्ची बताऊँ, मैं भी इतना नहीं सोच रहा था। और जो यूट्यूबर कह रहे थे कि कम जाएगी कट ऑफ, अब उन वही खुद ब खुद अपने हिसाब से चेंज हो रहे हैं कि ये 2.5 गुना बुलाए हैं इसलिए कट ऑफ है। तो भाई तुम पहले बताते हैं ना बच्चों को सही बात, जो बच्चा टाइपिंग में लग गया है, जो बच्चा रनिंग में लग गया, तो उसका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए भाई कभी भी मैं तो उन यूट्यूबर से ये कहूँगा कि भाई अगर कभी भी आपको कुछ बात बतानी हो, तो प्लीज़ कन्फर्म होकर पता करो। दूसरी बात मैं बता दूँ, भाई आपको कितने 2.5 गुना बच्चे बुलाए हैं, तो करीब करीब भाई 3200 या 3100 के आसपास बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, भाई सेकंड लिस्ट जारी होगी क्या? नहीं। तो भाई सेकंड लिस्ट आपकी 100% जारी होगी, क्योंकि भाई आपको पता है वैकेंसी 1250 के आसपास है। तो भाई इतने बच्चों में इतनी वैकेंसी नहीं फिल होगी। उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि सबके पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे, फेक सर्टिफिकेट वाले नहीं जाएंगे, या जाएंगे भी तो भाई वहाँ पे पक्के पकड़ जाएंगे। कोई यूट्यूबर अगर ऐसे कह रहा है ना कि उसका फेक सर्टिफिकेट है और भाई वो वहाँ पे सेलेक्टेड नहीं, भाई वो कोई ऐसे वहाँ पे हुट्टू नहीं बैठे हुए, सब भाई भाई वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर, एक CEO साहब बैठेंगे, है ना, एक वहाँ के SDM साहब बैठेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करेंगे। तो भाई उन्हें सारा आइडिया होता है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट की एक अलग से टीम होती है, तो भाई सारा आइडिया होता है। कोई फेक सर्टिफिकेट वाले ऐसे तो भाई सभी चले जाएँ, ठीक है ना। तो कोई यूट्यूबर कह रहा है अगर फेक वाले सिलेक्टेड हो गए तो बात अलग है, तो भाई फेक वाले सिलेक्टेड नहीं होंगे, जिनका रियल होगा, ठीक है ना। वो तो आजकल भाई स्कैन का सिस्टम होगा, QR कोड, सबको पता चल जाता है क्या रियल है क्या नहीं है, ठीक है। जब DV में आ जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो भाई जिसका रियल होगा वही सिलेक्टेड होगा, बाकी फेक वाला सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ये मैं आपको 100% बता दूँ। तो कोई यूट्यूबर कह रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई इसका सिलेक्शन नहीं होगा, या तो वहाँ पे जाके फंसेगा, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से अगर कोई फेक वाला बच्चा भी इस लिस्ट में होगा, तो भाई एक तो उस वजह से ये वैकेंसी नहीं भर पाएगी। दूसरी बात, भाई इतने 3200 बच्चों में 1250 बच्चे नहीं भर सकते, क्योंकि कुछ तो DV में ही निकल जाएंगे, कुछ आपके फिजिकल में भेज लेंगे। तो इसलिए सेकेंड लिस्ट 100% जारी होगी, ये बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बाकी फेक सर्टिफिकेट वालों को मैंने बता ही दिया, भाई जिस पे है वो मत जाना, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप जाओगे तो वहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा क्या सिस्टम है, कैसे वो पकड़ते हैं कैसे नहीं, ठीक है। जिसका रियल सर्टिफिकेट हो वो जरूर जाए, बेझिझक जाए, अब उसका 100% सिलेक्शन होगा अगर उसने फिजिकल भी अपना कर लिया पार, ठीक है। दूसरी बात भाई, अगली बात मैं आपको बता दूँ, UPSI और ASI की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि उसका टेंडर तो जारी हो गया। तो भाई मैं बता दूँ आपको, अभी टेंडर जारी हुआ है, कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे पूरा इस प्रोसेस को होने में, ज़्यादा भी लग सकता है, पर मिनिमम 2.5 से 3 महीने तो लग जाते हैं। टेंडर कोई सिंपल सा प्रोसेस नहीं होता, काफ़ी हार्ड प्रोसेस होता है, कंपनी भी देखनी पड़ती है किस कंपनी को चुनना है, और भी 70 काम होते हैं इस टेंडर में, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट काटती है, तो अभी वैकेंसी नहीं आएगी भाई। अगर जल्दी जल्दी भी आएगी तो भाई अगस्त या जुलाई से पहले नहीं आएगी, ठीक है, जुलाई या अगस्त में आएगी। और मेनली भाई मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वैकेंसी आपकी सितंबर में आएगी, बट अगर 2.5-3 महीने में भी आपका टेंडर निमट गया, तो भाई जुलाई या अगस्त मान के चलो, बट मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी टेंडर का फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वैकेंसी की बना की आई है, अभी इतनी जल्दी फाइनलाइज नहीं होगा, तो इससे लेट ही मान के चलो, है ना। और क्योंकि आप कॉन्स्टेबल में भी देख सकते हो, कॉन्स्टेबल में टेंडर फाइनल हो गया, बट अभी तक कंपनी नहीं आई, ठीक है ना, कंपनी भी नहीं आई। तो देख लो कॉन्स्टेबल कब से बात चल रही है और अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं आगे चला, ठीक है। तो कब फॉर्म आएंगे, तो भाई ऐसी, तो गवर्नमेंट काम में तो भाई देखो ऐसी देरी होती है, आपको पता भी होगा। तो अभी भाई ऐसा ही, और ऐसा ही वे कि अगर वैकेंसी कोई कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियल वाली या क्लर्क वाली आ जाएगी, तो अभी नहीं आएगी, मैं बता दूँ आपको, कम से कम अगस्त तो मिनिमम लग ही जाएगा, बाकी इससे लेट मुझे, जहाँ तक की मुझे उम्मीद है, इससे लेट ही होएगा, ठीक है ना। अगस्त तो भाई कम से कम टाइम मान के चलो, बाकी सितंबर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के हाथ में बात है।
ठीक है। और भाई जहाँ तक कि कॉन्स्टेबल वाले की बात आ रही है, कॉन्स्टेबल में आपको पता ही है कि अभी टेंडर टेंडर तो इलेक्शन से पहले निकल गया था, पर अभी कंपनी फाइनलाइज नहीं हुई। कंपनी फाइनलाइज होती है